Hi, my name is Nidhi Chiller, and in this video, I'll be discussing about Section 6 of the Hindu Succession Act. Section 6 जो है वो devolution of copartnery property के बारे में बात करता है, यानी कि copartnery property कैसे devolve होगी among copartners. Now let us discuss about subsection 1 of Section 6 of the Hindu Succession Act. देखिए पहले जो provision था before Hindu Succession Amendment Act 2005, ये था कि जो daughters है वो एज अ को पार्टनर नहीं इंक्लूड होती थी इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी कि डॉटर्स को शेयर नहीं मिलता था इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी. वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं थी कि वो कोर्ट में जाके स्टैंड कर सके कि हमारा एक शेयर बनता है और हमें नहीं दिया गया. हाउ एवर विद हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 डॉटर्स को इंक्लूड कर दिया गया एज अ को पार्टनर, जिसकी वजह से अब जो डॉटर्स है वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में को पार्टनर्स हैं As along with the sons, यानी कि इसकी वजह से जो changes ये आया कि जो daughter है वो by birth co-partner बन गई है with that of a son. Same right उसके हो गए हैं as that of a son, यानी कि जो right एक son के थे in the co-partnery property वही right अब एक daughter के है in the co-partnery property. जो daughter है अब उसकी same liability है as that of a son. यानी कि इसकी वजह से जो मेजर चेंज आया वो ये आया कि जो डिस्टिंक्शन थी बिटवीन अ डॉटर एंड दैट ऑफ अ सन उसको टोटली एब्रोगेट कर दिया गया है. अब जो सन है और जो डॉटर है वो एट पार है. डॉटर जो है वो एक स्टैंड ले सकती है कि मेरे को अगर उसको शेयर अलॉट नहीं किया जाता है तो वो उसकी एक कोर्ट में स्टैंडिंग है कि मेरे को जो शेयर है वो अलॉट नहीं किया गया है. से फॉर एग्जाम्पल देयर आर फोर चिल्ड्रन जिसमें से तीन लड़के और एक लड़की है, तो अब इनका शेयर कैसे कैसे होगा. वन बाय फोर एंड वन बाय फोर, यानी कि डॉटर को भी 1/4 ही मिलेगा. जितना शेयर जो है सन्स का होगा उतना ही शेयर अब डॉटर्स का भी होगा इन दी प्रॉपर्टी. एक चीज जो अब हमें ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर जब भी हम आगे पढ़ेंगे हमें वो चीज ध्यान रखनी है वो को पार्टनर में सिर्फ सन ही नहीं बल्कि डॉटर्स भी इंक्लूडेड है. प्रोविजो टू सबसेक्शन वन ये बोलता है कि जो भी पार्टीशन हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले उसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इनवैलिडेट नहीं करेगा. यानी कि जैसे यानी कि अगर जो पार्टीशन हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से पहले वो अब रीओपन नहीं किया जा सकता है ऑन दी ग्राउंड कि भाई चेंजेस आ गए हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से और जो डॉटर्स है वो भी एंटाइटल्ड है. यानी कि जो पार्टीशन हो गया है सन्स के बीच में वो सन्स के बीच में ही रहेगा और जो डॉटर है वो क्लेम नहीं कर सकती है उस प्रॉपर्टी में. हाउ एवर से फॉर एग्जाम्पल की अगर प्रोसीडिंग्स जो है वो कोर्ट में चल रही है बिफोर 2004 लेकिन उसकी जजमेंट अभी नहीं आई है, उस केस में क्या होगा. उस केस में ये होगा कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का रूल अप्लाई होगा और जो प्रायर जो लॉ था वो अप्लाई उस केस में नहीं होगा. यानी कि अब उस केस में डॉटर्स को जो है हिस्सा मिलेगा, उस केस में डॉटर्स को शेयर मिलेगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर फीमेल ने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, अगर इनहेरिट की है या फिर डिवोल हुई है फीमेल के ऊपर वो प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, तो वो उस प्रॉपर्टी को हेल्ड करेगी विद ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ अ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी. या इंसिडेंट्स ऑफ अ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का मतलब है कि इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे ज्वाइंट ओनरशिप है और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, एलिनिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है. पहले इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में ये भी होता था कि जो सन्स है सिर्फ वो कोपार्टनर्स होते थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, डॉटर्स भी कोपार्टनर्स हैं. वो जो प्रॉपर्टी है जो उसने उसके ऊपर डिवोल्व हुई है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, अब वो उसको डिस्पोज कर सकती है बाय हर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन. यानी कि उसके ऊपर वो एक विल बना सकती है, उसके पास पूरा राइट है कि वो उसको बाय विल डिस्पोज करे, उसके ऊपर विल बनाए. लेट अस डिस्कस अबाउट सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है सर्वाइवरशिप के बारे में. सबसेक्शन 3 की वजह से क्या हुआ कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप है उसको टोटली एब्रोगेट कर दिया गया. डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप क्या था कि अगर मान लो कोई को पार्टनर्स हैं
अगर को पार्टनर है और अगर एक को पार्टनर उनमें मर जाता है तो वो जो प्रॉपर्टी होगी को पार्टनर की, वो को पार्टनर के आयस में ना जाके वो डिवोल्व होगी ऑन दी अदर को पार्टनर, यानी कि उसका शेयर उसके आयस के पास नहीं जाएगा बल्कि उसका शेयर जो जाएगा वो को पास अदर को पार्टनर जो है उसके उनके पास जाएगा। हाउएवर सबसेक्शन 3 में जो चेंज आया है आफ्टर 2005 वो ये आया है कि जो अब डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप है वो अप्लाई नहीं होगा। अब बाय सक्सेशन जो प्रॉपर्टी है, बाय सक्सेशन प्रॉपर्टी डिवोल्व होगी, जिसकी वजह से अब अगर कोई को पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो वो ये मान लिया जाएगा कि जब उसकी डेथ हुई, जैसे ही उसकी डेथ हुई वहां पे उस जो पार्टीशन है प्रॉपर्टी का वो हो चुका था, और जो को पार्टनर है उसका एक शेयर जो है उसको मिल चुका था। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि जो शेयर है प्रॉपर्टी का, जो एक को पार्टनर का शेयर है प्रॉपर्टी में, वो अदर को पार्टनर में रिवॉल्व नहीं होगा बल्कि उसकी जो आयर्स है उसमें वो प्रॉपर्टी रिवॉल्व होगी। यानी कि अब जो ये सबसेक्शन 3 की वजह से क्या हुआ कि जो बाय सर्वाइवरशिप वाला जो कंसेप्ट था वो उसको टोटली एब्रोगेट कर दिया गया, उसको टोटली हटा दिया गया। नेक्स्ट थिंग इज कि जो डॉटर है उनको इक्वल शेयर मिलेगा एज डेट ऑफ पर्सन, जितना शेयर एक सन को मिलेगा उतना ही शेयर अब एक डॉटर को मिलेगा इन दी कोपार्शनरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग इज कि से फॉर एग्जांपल एक प्री डिसीज सन है या फिर एक प्री डिसीज डॉटर है, ठीक है, यानी कि फादर अभी जिंदा है लेकिन जो सन है उसकी डेथ हो चुकी है या फिर एक डॉटर है उसकी डेथ हो चुकी है, उस केस में क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो डिवोल्व नहीं होगी कि सन का ब्रदर है या सन की डॉटर अगर जिंदा है तो बाय सर्वाइवरशिप उसके पास चली जाए, नहीं, अगर उसका कोई चाइल्ड है सर्वाइविंग चाइल्ड है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डिवोल्व होगी ऑन दी सर्वाइविंग चाइल्ड एंड नॉट ऑन दी अदर को पार्टनर्स जो है, तो अब जो है आयर्स के ऊपर डिवोल्व होती है प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में क्या है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन है उसको एब्रोगेट कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन में क्या था कि डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन में था कि से फॉर एग्जाम्पल फादर ने कोई डेट ली है तो अब उसको या तो सन पे करेगा या फिर ग्रैंडसन पे करेगा या ग्रेट ग्रैंडसन पे करेगा। हाउ एवर अब सबसेक्शन 4 बोलता है कि नहीं, अगर अगर फादर ने या ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने अगर कोई डेट ली है तो सन सन ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन को तुम सिर्फ इसीलिए लायबल नहीं कर सकते कि उसकी एक पायस ऑब्लिगेशन है कि वो उनकी डेट्स को पे करे, यानी कि पायस ऑब्लिगेशन को टोटली एब्रोगेट कर दिया गया। हाउएवर अगर मान लो कोई आयर है और उसने एक्सप्रेसली अग्री किया है कि ठीक है जो डेट मेरे फादर ने ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने ली थी मैं उसको पे करूंगा या मैं पे करूंगी, उस केस में सबसेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसने उसको एक्सप्रेसली अग्री किया है उस चीज के लिए, उस केस में वो अप्लाई नहीं होगा। वन मोर थिंग जो हमें नोट करनी है इसमें ये है कि अगर कोई डेट कॉन्टेक्ट हुई है बिफोर 20th December 2004 उस केस में ये वाला जो सबसेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा, और उस केस में जो क्रेडिटर है वो अंडर पायस ऑब्लिगेशन सन ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन से एनफोर्सिएबल करा सकता है, उनको लायबल कर सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट सबसेक्शन, सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6। सबसेक्शन 5 बोलता है कि सेक्शन 6 का जो है कोई इंपैक्ट नहीं होगा ऑन द पार्टीशन दैट टुक प्लेस बिफोर 20th December 2004, यानी कि जो भी पार्टीशन हुआ है बिफोर 20th December 2004 उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है सेक्शन 6 का। यहाँ पे जो द वर्ड पार्टीशन है उसका मतलब है पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स, यानी कि सिर्फ ओरल पार्टीशन जो है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डीड ऑफ पार्टीशन विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड, यानी कि जो पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर जो पार्टीशन अफेक्ट हुई है बाय डिक्री ऑफ कोर्ट वही सिर्फ यहाँ पे जो है पार्टीशन माना गया है या ओरल पार्टीशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। वेल दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 6। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।
थैंक यू।